आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस वीडियो में हमें एक बिल्डिंग एंड टावर के हाइट एंड डिस्टेंस के रिलेशन पे एक क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 15 मीटर हाई, तो बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 15 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्रीज। तो इसको हमने डायग्राम में बना लिया। तो ये हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग, एंड राइट साइड में अपना टावर, तो ये है टावर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना लिया, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्रीज, तो ये भी हमने बना लिया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द टावर हो गया। अभी इस बार देखना, लास्ट क्वेश्चन में हमने टोटल हाइट को h बोला था एंड h को कैलकुलेट किया था। इसमें ये ध्यान देने की चीज़ है, हमारा नोटेशन अलग है। तो हाइट ऑफ द टावर, इसमें हाइट ऑफ द टावर इसमें सिर्फ x नहीं है पर x प्लस 15 मीटर है। तो ये फाइनल कैलकुलेशन के टाइम आंसर देते वक्त हमें याद रखना है। एंड डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, टावर एंड बिल्डिंग इसको हम L से डिनोट कर देते हैं। तो ये डिस्टेंस L हो जाएगी, ये टो टू टो डिस्टेंस लेंगे हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो अब हम अगर लाइट ब्लू में कलर ट्राइंगल को देखें, आप देख सकते हैं कि वो लाइट ब्लू एंड येलो में कलर ट्राइंगल्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो एरिया ग्रीन बन रहा है, पर वो लाइट ब्लू ट्राइंगल है कम्प्लीट, तो विथ ओवरलैपिंग ग्रीन एरिया एंड लाइट ब्लू एरिया। तो उस ट्राइंगल में हम देख सकते हैं 10 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। तो हाइट हो गई x अपॉन बेस है, बेस लेंथ है l, तो ये इज इक्वल टू 1/√3 आ गया। तो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ x। तो ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास l और x के बीच में। अब हम सेकेंड ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल जो लाइट येल्लो में शेडेड है एंड ग्रीन वाला एरिया ऑब्वियसली उसमें इंक्लूडेड है। तो अब इस ट्राइंगल में हम देखेंगे 10 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, हमें ये पता है, ये वैल्यू हमें याद है, इज इक्वल टू x प्लस 15 इज हाइट अपॉन लेंथ। तो इससे हमारे पास आ जाएगा √3 लेंथ, √3 टाइम्स ऑफ लेंथ इज x प्लस 15। अब इस इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यू को पुट करते तो हमारे पास आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ √3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 15। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू x प्लस 15। तो इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 7.5। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, पर ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमारा हमें निकालना क्या था, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर कितनी थी, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू x प्लस 15 था। तो ये हो जाएगा 7.5 प्लस 15 एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी 22.5 मीटर्स। हमें डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स निकालना था, टावर एंड बिल्डिंग। तो डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, तो ये था एल के इक्वल इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू √3 इंटू 7.5 मीटर। तो इसकी आप न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एंड ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हाइट ऑफ टावर इज 22.5 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग इज √7.5 √3 मीटर। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बोट को क्लिफ के ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे एंड उसके दो डिफरेंट टाइम की रीडिंग्स ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन की मदद से हम उसको कितना टाइम लगेगा शोर पे पहुंचने के लिए वो कैलकुलेट करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।